हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करेंगे सेंटेंस एरर्स के ऊपर एक सेशन। सेंटेंस एरर्स इंग्लिश सेक्शन का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, बट एरर्स के अंदर बच्चे प्रॉब्लम्स बहुत फेस करते हैं क्योंकि वेरिएशन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा है, रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हर क्वेश्चन में नया रूल लग रहा होता है। तो धीरे धीरे करके ही एरर्स पढ़ाए जा सकते हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो समझ में आ जाए। उससे पहले आप एक काम करिए कि एक नोटबुक लीजिए, उसके अंदर एरर्स बनाइए, एरर्स वाला कॉलम अगर आपने पहले से बनाना शुरू कर रखा है तो उसके अंदर एडिशन करिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक लेवल के क्वेश्चंस हैं। बैंक और SSC एग्जाम सिर्फ लिखा है, बट अदर दैन बैंक और SSC एग्जाम्स आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसके अंदर एरर्स का सेक्शन आता है बच्चों, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कंपेरेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया बनाया जाता है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, सेंटेंस एरर्स अगर आता है उसके अंदर तो पक्का आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। हर एरर के अंदर नया रूल लगता है, हर एरर में नया रूल लगता है। मैं आपको बता दूं, आप इसीलिए एरर के रूल्स का एक पेज बनाइए, उसके अंदर एक रजिस्टर बनाइए, रादर नोटबुक के अंदर लिखते जाइए जिस जिस एरर को मैं पढ़ा रही हूँ, जो जो रूल लग रहा है। स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सब्सक्राइब स्टूडेंट हैं आप लोग, आपके पास नोटिफिकेशन तब आएगा, जो भी एग्जाम रिलेवेंट वीडियो हम लोग डालेंगे आप वो देख पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ स्टर्डी मैन फेल्ड ऑल द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। अच्छा, फेल्ड का मतलब टू मेक फॉल होता है, टू मेक फॉल होता है। पहले तो फेल्ड को ये मत समझ लीजिएगा दैट द वर्ड इज़ रॉन्ग, द वर्ड इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। मैं आपको ये बता रही हूँ, एक स्टर्डी मैन है, एक स्ट्रॉन्ग सा आदमी है जिसने क्या किया है, ट्रीज़ गिरा दिए हैं। ट्रीज़ क्या कर दिए हैं, गिरा दिए हैं। अब ट्रीज़ गिरा दिए टू मेक समथिंग फॉल, दैट इज़ फेल्ड। तो गिरा दिए गार्डन के ट्रीज़ विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। पहले ज़रा थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ लग रही है। जब हम बात कर रहे हैं बच्चों हार्डली की, तो हार्डली नेगेटिव वर्ड है ना, अगर हार्डली नेगेटिव वर्ड है तो हार्डली नेगेटिव के साथ नो कैसे आ सकता है। कई बार ऐसा होता है, ऐसी चीज़ हम पढ़ चुके होते हैं बट फिर भी याद नहीं रहता, दिमाग में भी नहीं आता। अब बच्चे कहते हैं मैम हार्डली है तो हार्डली एफर्ट कैसे बोल सकते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को करेक्ट कर रही हूँ, इफ़ आई रिमूव नो, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सही ऑप्शन क्या है। If we say a sturdy man felled all the trees in the garden with hardly no effort at all, if I remove no, the sentence will be like that. A sturdy man felled all the trees in the garden with hardly effort at all. That sounds odd. इसका मतलब no की जगह पे कुछ लगना चाहिए। बात का meaning देखिए, sentence पढ़ने से ज़रा meaning समझिए क्या निकल रहा है कि एक sturdy man है जिसने trees गिराए है garden में, but क्या उसने बहुत ज़्यादा effort किया? नहीं, क्योंकि वो sturdy है ना, तो उसको trees गिराने में उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी। उसने ना के बराबर मेहनत करी, ना के बराबर मेहनत करी। अगर ना के बराबर मेहनत करी तो वी के नॉट यूज़ नो, क्योंकि नो हार्डली के साथ तो आ नहीं सकता है। हार्डली इज़ अ नेगेटिव वर्ड एंड वी के नॉट यूज़ नो विद हार्डली। हार्डली के साथ नो नहीं आएगा, आपको नो हटाना पड़ेगा, बट नो की जगह कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, अदरवाइज सेंटेंस इनकम्प्लीट है। देन यू विल राइट एनी आउट देयर इन प्लेस ऑफ नो। A sturdy man felled all the trees in the garden with hardly any effort at all. No क्यों नहीं आया, no क्यों हटाया था मैंने, please दिमाग लगाइए, hardly negative है, negative hardly के साथ no नहीं आ सकता है, because hardly और no दोनों ही negative words हैं, redundant हो जाएगा, दो negative words एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो आपने no हटा दिया, इसीलिए मैंने क्या कहा, any लगाया, the sentence will be बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, ना के बराबर एफर्ट किया और ट्रीज गिरा दिए। सो अ स्टडी मैन फेल्ड ऑल द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल। द एरर इज इन द सी पार्ट। सी पार्ट में एरर है, ध्यान रखिएगा। ही गोज टू द टेम्पल एज फ्रीक्वेंटली एज ही फाइंड्स टाइम। ही गोज टू द टेम्पल एज फ्रीक्वेंटली एज ही फाइंड्स टाइम। पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से, एरर ढूंढना इस सेंटेंस के अंदर थोड़ा मुश्किल है। रीज़न ये है, देखिए कि सेंटेंस लगता तो बड़ा आसान है और सबको लगता है जनरली मैम नो एरर है इसके अंदर, इसके अंदर क्या एरर है, कोई एरर तो लग भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, इसमें द नहीं आएगा यहाँ पर, उसका एक रीज़न है, सुनिए। जब आप टेम्पल जाते हैं पूजा करने के लिए, देखिए ये रूल बहुत बड़ा है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में अभी सिर्फ इस सेंटेंस के
पर्पज से ही समझाने वाली हूँ. बहुत सारी चीज़ें इसके साथ रिलेट नहीं करूँगी, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप. शॉर्ट में, टेम्पल में जब आप पूजा करने जाते हैं, जब आप टेम्पल में पूजा करने जाते हैं, वेन यू गो देयर एंड योर पर्पज इज़ वर्शिपिंग द गॉड, आप जा रहे हैं किस पर्पज के लिए जा रहे हैं? पूजा करने के लिए जा रहे हैं. आपका पूजा करने जाने वाला जो पर्पस है वो प्राइमरी पर्पस है. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. प्राइमरी पर्पस जब होता है मंदिर में जाने का, टेंपल में, चर्च में, मतलब सिमिलर प्लेसेस लाइक टेंपल, अगर आप जा रहे हैं, आप पूजा करने जा रहे हैं, आप ये देखिए सेंटेंस पढ़ के, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल सेम सेंटेंस लिखा है मैंने. बाकी सारे सेंटेंसेस में आपको बताऊंगी, और भी कोई एग्जाम का क्वेश्चन होगा तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल था. ही गोज टू द टेम्पल एज फ्रीक्वेंटली एज ही फाइंड्स टाइम. अच्छा, मैंने कहा आप टेम्पल जा रहे हैं पूजा करने के पर्पज से जा रहे हैं, आप एक भक्त हैं, आप एक डिवोटी हैं, तो पूजा करने वाले का मंदिर में जाने का प्राइमरी पर्पस होगा. प्राइमरी पर्पस के केस में टेम्पल के आगे द नहीं आएगा. अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से, अ वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल. किसी ने कहा आई गो टू स्कूल. ध्यान से देखिएगा, इससे बेसिक सेंटेंस मेरे पास नहीं है समझाने के लिए. मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा सेंटेंस ले लिया जाए जिससे हम श्योर आपको समझ में आ ही जाएगा. ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बात ये चल रही है. When somebody says I go to school, अब मैं बच्चों से ये पूछती हूँ ये कौन सा सेंटेंस ठीक है. कहते हैं मैम फर्स्ट वाला ठीक है, सेकेंड वाला ठीक नहीं है. या फिर कुछ लोग बोलते हैं मैम सेकेंड वाला ठीक है क्योंकि स्कूल से पहले द आ रहा है, स्पेसिफिक स्कूल है. पहले तो ये लॉजिक नहीं है यहाँ पर, स्पेसिफिक वगैरह वाला कुछ नहीं बोल रहे हम लोग. पहले सुनिए, सिक्स क्लास में आप स्कूल में जब जाते थे आपको पढ़ाया जाता था राम गोज टू स्कूल, या आपको पढ़ाया जाता था राम गोज टू द स्कूल. देखिए बहुत बेसिक सेंटेंस है, प्लीज़ ध्यान दीजिए. राम गोज टू स्कूल पढ़ाया जाता था, राम गोज टू द स्कूल नहीं पढ़ाया जाता था. इसका एक रीज़न है, राम स्टूडेंट है ना, स्कूल में जाने वाला स्टूडेंट है. ये टेम्पल वाला रूल ना मैं अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ स्कूल के केस में. ये टेम्पल वाला रूल देखिए, रूल ये बहुत बड़ा है, बहुत इसके अंदर चीज़ें हैं जिनके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस आता है. रूल ये है कि जब आप ऐसे लिखेंगे, जब स्कूल जाने का और टेम्पल जाने का और चर्च जाने का प्राइमरी पर्पस होता है. प्राइमरी पर्पस मतलब अब स्टूडेंट है ना, स्कूल जा रहा है. अब प्राइमरी पर्पस समझिए कि स्कूल में जा रहा है स्टूडेंट, स्कूल में जा रहा है स्टूडेंट. प्राइमरी पर्पस के केस में स्कूल के पहले हम द नहीं लगा रहे हैं. बट व्हेन आई से आई गो टू द स्कूल, दैट मीन्स द स्कूल का मतलब है यहाँ पर अदर दैन स्टूडेंट कोई जा रहा है, अदर दैन स्टूडेंट कोई जा रहा है उसका वहाँ पर सेकेंडरी पर्पस है, इसीलिए हमने स्कूल के पहले द लगाया है. स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, देखिए ये एक एग्जाम्पल है मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए. स्टूडेंट स्कूल जा रहा है तो वो स्कूल के पहले द नहीं लगा रहा है. आई गो टू स्कूल, स्टूडेंट जा रहा है इसीलिए प्राइमरी पर्पस है. बट उस स्टूडेंट की मदर या उस स्टूडेंट के फादर जा रहे थे, मदर या फादर का तो सेकेंडरी पर्पस है, ये समझ पा रहे हैं आप. अगर कोई मदर जा रही हैं वो कह रही हैं आई गो टू द स्कूल, दैट मीन्स वो प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रही हैं, वो सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रही हैं. क्या आप खुद सोचिए, मदर जो जाएंगी शायद पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी वो तब जा रही हैं, क्या उनका प्राइमरी पर्पस है? नहीं है, उनका सेकेंडरी पर्पस है. सेकेंडरी पर्पस के केस में स्कूल के पहले द आ गया, प्राइमरी पर्पस के केस में स्कूल के पहले द नहीं आया. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, शॉर्ट में पढ़ेंगे. बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल के पहले द नहीं लगा रहे हैं, ये ग्रामेटिकली सही है. अगर पेरेंट्स स्कूल जा रहे थे, उनकी मम्मा या उनके फादर स्कूल जा रहे थे तो स्कूल के पहले द आ गया, बिकॉज दे वर गोइंग टू स्कूल फॉर द सेकेंडरी पर्पस. दोबारा सुनिए, स्कूल के पहले द नहीं आया तो बच्चा स्कूल जा रहा है. ये सिर्फ शॉर्ट में याद कराने के लिए बता रही हूँ, इससे आप स्कूल वाले केस को टेम्पल के साथ रिलेट कर पाएंगे. यही सेम रूल अप्लाई होगा टेम्पल के केस में कि टेम्पल जाने वाला अगर पूजा करने वाला है तो पूजा करना ही वहाँ पर जाके करना प्राइमरी काम होता है. तो प्राइमरी पर्पस के केस में टेम्पल के पहले द नहीं लगा रहे हैं, बट अगर कोई सेकेंडरी पर्पस के लिए वहाँ जाता है तो टेम्पल के आगे द आ जाएगा. सिमिलरली स्कूल के पहले द कब नहीं आया? जब प्राइमरी पर्पस था, मतलब बच्चा स्कूल जा रहा था. स्कूल के पहले द आया जब बच्चे की मदर स्कूल जा रही थी और उनका वहाँ पर सेकेंडरी पर्पस था.
कन्फ्यूजन होती है, आपको पता है मैं बार बार बोलती हूँ, उसका एक रीज़न है, मुझे ये पता है रूल बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है, इसीलिए रेपिटेशन का पर्पस समझिए प्लीज़। टेम्पल के पहले द नहीं आया क्योंकि प्राइमरी पर्पस है, यहाँ पर इस सेंटेंस में प्राइमरी पर्पस है, तो एरर किस पार्ट में है, एरर बी पार्ट में है। इसको मैं रिविजन के टाइम पर एक बार और लूँगी, अभी आई मूव टू द थर्ड सेंटेंस। If you win or lose, let it be on purpose. If you win or lose, आप जीतो या हारो, let it be on purpose. अब पहले ये सोचिए कि यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत ही आसान है, जीतो या हारो, जीतो या हारो, जीतो या हारो। तो एक बार ज़रा सोचो, win और lose है, win और lose है, लेकिन ये वाला lose तो ढीला वाला है ना, ये तो lose ढीला वाला है, हमें इस lose को हटा करके इस लूज को लगाना होगा। ये कन्फ्यूजिबल्स हैं, एक जैसे लगते हैं, जीतना और हारना, तो जीतना वाला विन तो इज़ ऑल राइट, बट अगर हम बात कर रहे हैं लूज की, तो एल ओ एस ई वाला लूज होगा, ना कि एल डब्ल ओ एस ई वाला लूज होगा, सुन लीजिए, क्योंकि एल डब्ल ओ एस ई जो है वो ढीला है, ढीला, तो जीतना और ढीला थोड़ा है, जीतना और हारना वाली बात हो रही है, जीतना या हारना, इसीलिए वहाँ पर एल ओ एस ई वाला लूज आएगा, क्योंकि इस वाले लूज का मतलब होता है हारना वाला, लॉस्ट वाला लूज है ये, अगर आपको याद आ रहा हो पास्ट टेंस, एल ओ एस टी लॉस्ट लिखते हैं आप लोग, याद आ रहा है आपको, ये वो वाली बात हो रही है। इफ़ यू विन और लूज, हेयर द स्पेलिंग्स ऑफ लूज, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया ये वाला लूज और ये वाला लूज कन्फ्यूजिबल्स हैं, इसका मतलब हारने वाला, इसका मतलब ढीला वाला, तो यहाँ पर तो हारने वाला चाहिए था ना, विन का ऑपोजिट चाहिए हुआ है, और यहाँ पर क्योंकि और लगा है, और के केस में दो ऑपोजिट्स लगा रखे हैं, विन और लूज, तो यहाँ पर एल ओ एस ई आएगा, एरर इज इन दी बी पार्ट। ही वर्क्स एज इफ दी अर्थ बिलोंग्स टू हिम, ही वर्क्स एज इफ दी अर्थ बिलोंग्स टू हिम। अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं मैम ये देखिए आप बिल्कुल सेम टेंस चल रहा है, कोई गलती ही नहीं है, पहले सुनिए, यहाँ पर एज इफ लगा है, एज इफ लगा है, आप पहले ये सोचिए ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, क्या है ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अब हाइपोथेटिकल कंडीशन बोलूँगी काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इमेजिनरी समझते होंगे आप, इमेजिनरी कंडीशन है, ऐसा समझता है ना अपने आपको जैसे अर्थ तो मतलब उसी को ही बिलोंग करती है, सारी उसी की ही है, इमेजिनरी है, ऐसा है तो नहीं, ये मानते हैं आप लोग। ही वर्क्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, एज इफ के बाद इमेजिनरी कंडीशन में, हाइपोथेटिकल कंडीशन में, अगर आप लिख पाते हैं तो इमेजिनरी हाइपोथेटिकल दोनों लिखिए, नहीं तो इमेजिनरी लिख लीजिए, मीनिंग सेम है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ही वर्क्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम नहीं आता है, एज इफ से जब इमेजिन किया जाता है, एज इफ से जब हाइपोथेटिकल कंडीशन आती है, इमेजिनरी स्टेट आती है, इमेजिन किया जा रहा है, इमेजिनरी कंडीशन आ रही है, तो हम कह रहे हैं वहां पर पास्ट टेंस लगाया जाता है एज इफ के बाद। ही वर्क्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम नहीं, ही वर्क्स ऐसे काम करता है ना, ऐसा दिखाता है, ऐसा काम करता है जैसे अर्थ तो उसी की है, अब ये इमेजिनरी है, ये हाइपोथेटिकल है। ही वर्क्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, क्या याद रखना है, रूल कैसे लिखेंगे आप लोग, एज इफ आएगा, इमेजिनरी कंडीशन है ये, इमेजिन कर रहा है मतलब इमेजिनेशन दिखा रहा है ये उसकी, तो एज इफ के बाद जब स्टेट होगी, हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी, इमेजिन कर रहा होगा, तो उसके बाद आप पास्ट टेंस लगाएंगे, ये तो आप लिख सकते हैं पास्ट टेंस लगाएंगे, पी ए एस टी है ये, पी ए एस टी है ये, आई विल राइट इट अगेन, मैंने कहा पास्ट टेंस आएगा, एज इफ के साथ पास्ट टेंस आएगा जब हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी कंडीशंस चल रही होंगी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई एम नॉट राइटिंग देम, कन्फ्यूजन होगी, मैं लिखूंगी तो यहाँ पर ऊपर नीचे आपको लगेगा, मैं एक आधा सेंटेंस लिख देती हूँ, आप लिखिए, आई विल गिव यू मेनी एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड। ही स्पीक्स एज इफ, ओके आई विल राइट इट डाउन, ही स्पीक्स ऐसे बात करता है एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, कैसे बात करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, जैसे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसे बात करता है जैसे प्राइम मिनिस्टर हो कंट्री का, इमेजिनरी है, देखिए हाइपोथेटिकल है, एज इफ लगा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वर लगाया है। शी बिहेव्स एज इफ शी वर द क्वीन, कैसे बिहेव करती है, शी बिहेव्स एज इफ शी वर द क्वीन, पास्ट टेंस आया।
देखिए अब मैं कहने को आपको यहाँ पर समझा सकती हूँ डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करके, वेर आई कैन से वी यूज द सब्जंक्टिव टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी द हाइपोथेटिकल और द इमेजिन्ड थिंग, लेकिन अब प्लीज़ समझिए मैं ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करूँ सब्जंक्टिव बोलूँ नहीं समझ आएगा, मैंने आसान भाषा में आपको बता दिया। हाइपोथेटिकल और इमेजिन्ड केसेस जब इमेजिनरी स्टेट होती है कंडीशंस आती हैं एज इफ के साथ आप पास्ट टेंस लगा देते हैं बस। ही वर्क्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, याद रखेंगे एज इफ के बाद क्या आता है पास्ट टेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु हेट्स ऑल मदर्स मदर इन लॉज लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेड्स इज अ मिसोजिनिस्ट। सी मिसोजिनिस्ट को ना पहले तोड़ के पढ़िए, मिसो मीन्स हेट। अब ये वर्ड क्या आपको ये दिखाई दे रहा है गायनी से बना है, गायनी वुमेन या वुमेन रिलेटेड इशूज, मतलब इट इज रिलेटेड विद गायनोकोलॉजिस्ट वाला वर्ड, गायनोकोलॉजिस्ट विच इज रिलेटेड विद लेडीज, तो गायनी ये गायनी इज देयर इन इट। मीसो मीन्स हेट, तो मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स गायनी वेमेन को हेट करने वाला इज अ मिसोजिनिस्ट। आप खुद देखिए ना यहाँ पर मदर्स है वेमेन है, मदर इन लॉज लिखा है वेमेन है, लेडी डॉक्टर्स लिखा है, हाउस मेड्स लिखा है, दैट मीन्स हम वेमेन की बात कर रहे हैं, वो आदमी जो ये इस तरह को हेट करता है, मतलब मदर्स को हेट करता है, मदर इन लॉज को हेट करता है, लेडी डॉक्टर्स को हेट करता है, हाउस मेड्स को हेट करता है, वो मिसोजिनिस्ट होता है, हेटर होता है, किसको हेट करता है वुमेन को हेट करने वाला इज अ मिसोजिनिस्ट। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, एरर कहाँ है मेरे ख्याल से अभी तक आपको मिल गया होगा, बहुत मुश्किल एरर नहीं है यहाँ पे। चलिए बच्चों यहाँ पर मदर्स में एस लगाया एंड पर, मदर इन लॉज में एस लगाया एंड पर, क्लू दे रही हूँ ढूंढ पाए हैं अभी तक तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रही हूँ चिंता मत करिए। आपको लग रहा है प्लूरल ऐसे ही हो रहा है बट मेरी बात सुनिए, अगर मैं मदर इन लॉ बोलूं तो ये एक मदर इन लॉ है, मैं लॉज क्यों प्लूरल कर रही हूं, मेरे को मदर को प्लूरल करना है ना, मैं लॉज को क्यों प्लूरल कर रही हूं, अगर मेरे को प्लूरल मदर इन लॉ बनानी है तो मैं मदर इन लॉज थोड़ा कर दूंगी, मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ होता है, मदर इन लॉज नहीं होता है, ध्यान से सुनिए। मेरे को पता है अभी तो बिल्कुल ऊपर से चला गया होगा क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने ऐसे बोल दिया जल्दी जल्दी, मैंने कहा एस एंड पे आया है लॉ के साथ, देखिए लॉ के साथ एस एंड पे आया है, मैंने यहाँ पर एस नहीं लगाना है, यही मैंने आपको कहा प्लूरल लॉज को नहीं करना है, प्लूरल मदर को करना है, तो मदर इन लॉ का प्लूरल मदर इन लॉज नहीं होता है, मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ होता है। अब बच्चे कहते हैं मैम ये तो बड़ा आसान था, अरे आप ढूंढ नहीं पाए क्योंकि क्वेश्चन जो था द काइंड ऑफ सेंटेंस आई रिटन हियर आई चोजन, ये सेंटेंस थोड़ा मुश्किल है, इसमें सारा हॉच पॉच हो गया, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाए सेंटेंस तो बच्चे पढ़ते हैं और थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं, चिंता मत करिए, अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने निकाल लिया आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, नहीं निकाला था मैंने समझा दिया, मदर इन लॉ का प्लूरल, बच्चे देखिए ये कोई ग्रामर नहीं है, ये प्लूरल सिंगुलर हो रहा है, लूज और लूज में जो आपको एरर बताया, बच्चे कहते हैं सेंटेंस एरर सिर्फ ग्रामेटिकल होते हैं, ठीक है लेकिन यहाँ पर वर्ड्स वाला प्रॉब्लम सिंगुलर प्लूरल वाला भी है ना, कन्फ्यूजिबल्स भी थे, लूज और लूज कन्फ्यूजिबल्स थे, तो इस टाइप के एरर्स भी होते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं जल्दी से, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आया ना सबसे पहले बच्चे एरर निकालते हैं और बोलते हैं मैम यहाँ पे वर्ब की जगह पे वॉज आएगा, गलत तो नहीं कह रहे होते लेकिन रीज़न नहीं बता पाते, कहते हैं मैम वर्ब के अंदर कुछ गलती होती है हमेशा, हर बार तो ऐसा नहीं है, देख लीजिए मैं आपको रूल लिखवा रही हूँ, रूल लिखिए पहले जल्दी से सुनिए, एक वर्ड है इंक्लूडिंग, एक वर्ड है बच्चों इंक्लूडिंग, हमने कहा ये सपोज सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट वन है मानते हैं द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ये क्या है सब्जेक्ट वन है, इंक्लूडिंग बीच में आया है और टू शॉप्स सब्जेक्ट टू है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स, रूल ये है कि जब सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के बीच में इंक्लूडिंग आ जाए तो वर्ब सब्जेक्ट वन को देख के लगाते हैं ना कि सब्जेक्ट टू को, अब कुछ बच्चे यही करते हैं सब्जेक्ट टू को देख के वर्ब लगाते हैं हर बार बिना किसी रीजन के, कि ये पास में दिख रहा था इसीलिए शॉप्स आ रहा था, शॉप्स है और इंक्लूड भी किया है तो वर है, पहले तो मीनिंग मत, पहले ऐसा सोचिए इस तरीके से कि इंक्लूड किया तो प्लूरल हो गया, ग्रामेटिकल रूल है ये कि जब इंक्लूडिंग आता है दो सब्जेक्ट्स के बीच में तो वर्ब सब्जेक्ट वन को देख के लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट वन सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आता है,
सब्जेक्ट वन प्लूरल होता है तो वह प्लूरल आता है, इंक्लूडिंग की वजह से वर्ब सब्जेक्ट वन को देख के आएगा. द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर होगा, वर डिस्ट्रॉयड नहीं होगा क्योंकि इंक्लूडिंग से पहले होल ब्लॉक सब्जेक्ट है और होल ब्लॉक को देख करके यहाँ पर वॉज लगाना है. सब्जेक्ट टू टू शॉप्स है, टू शॉप्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि इंक्लूडिंग के अंदर तो वर्ब जो आता है वो सब्जेक्ट वन को देख के आता है एंड दैट सब्जेक्ट वन इज सिंगुलर, ब्लॉक इज सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर वॉज आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पीपल विच हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस आर टू फ्राइटेंड टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस अथॉरिटीज. मोस्ट ऑफ द पीपल विच हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, बहुत सारे लोग हैं विक्टिम बने किस चीज़ के, एक्सट्रीम वायलेंस के, वो डरे हुए आर टू फ्राइटेंड. अब ये डरे हुए होते हैं किस चीज़ से, डरे हुए होते हैं पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते, डरे हुए होते हैं, दे आर टू फ्राइटेंड, एक्चुअली वायलेंस से डरे हुए हैं, एक्सट्रीम वायलेंस से, द विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस आर टू फ्राइटेंड, बेचारे डरे हुए हैं और रिपोर्ट करते हैं क्या, नहीं करते, डरते हैं रिपोर्ट करने से, किसको, पुलिस अथॉरिटीज़ को. चलिए एरर कहाँ है ढूंढ लिया होगा अभी तक आपने, ए पार्ट के अंदर एरर है बच्चों, विच नहीं आएगा लोगों के लिए, हु लगाया जाता है, बस इतना सा एरर है. आई राइट इट क्लियरली हियर, दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, थोड़ा जल्दी बोल दिया शायद नहीं समझ आया होगा. मैंने कहा मोस्ट ऑफ द पीपल विच हैव बीन, नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस. अच्छा, व्हेन वी से ही लाइक्स अ गर्ल या ही लाइक्स द गर्ल, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट. ही लाइक्स अ गर्ल मतलब ही लाइक्स एनी गर्ल, अगर द गर्ल बता दूंगी तो कोई स्पेसिफिक गर्ल हो जाएगी, तो कोई लड़की पसंद है या फिर द गर्ल पसंद है, स्पेसिफिक लड़की पसंद है, तो ही लाइक्स अ गर्ल हु स्टडीज इन हिज क्लास. जल्दी से बता दीजिए हु किसके लिए आया है, सोचिए, हु आया है गर्ल के लिए. ही लाइक्स अ गर्ल हु स्टडीज इन हिज क्लास, हु स्टडीज इन हिज क्लास, अ गर्ल स्टडीज इन हिज क्लास, सो दैट गर्ल वी आर रेफरिंग टू. हु गर्ल के लिए आया है, हु ह्यूमन बींग्स के लिए लगाया जाता है, हु इंसानों के लिए लगाया जाता है मेजरली. सो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर विच हैव बीन नहीं आएगा, इंसानों के लिए हु लगाया जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए हु लगाया जाता है, इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी, ए पार्ट में गलती है, एंड द करेक्ट आंसर, द करेक्ट सेंटेंस विल बी लाइक दैट, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस आर टू फ्राइटेंड टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस अथॉरिटीज. एज जॉन वॉकड अक्रॉस द हॉल, एज जॉन वॉकड अक्रॉस द हॉल, शी नोटिस दैट हर वॉक वॉज जस्ट अ लिटिल मोर बाउंसियर दैन वेन शी हैड फर्स्ट वॉकड इन. अच्छा, हम जब बात कर रहे हैं जुआन की, जुआन है बेसिकली ये, हमने कहा जब जुआन ने वॉक किया, एज जुआन वॉकड अक्रॉस द हॉल, शी नोटिस दैट हर वॉक वॉज जस्ट अ लिटिल मोर बाउंसियर. गलती क्या है ज़रा सोचिए, टाइम दे रही हूँ, सोचिए, पहले देखिए कंपैरेटिव डिग्री है और एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, कैसे मैं आपको मोर बेटर बोल दूं, नहीं बोल सकती ना, मोर क्लेवरर कैसे बोल दूं आपको, दैट्स नॉट पॉसिबल, मोर स्मार्टर कैसे बोल दूं, कैन यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ यू नो सेंटेंसेस आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. मैं कह रही हूं कि हम जब मोर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री है, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, beautiful, more beautiful, most beautiful, positive degree, comparative degree and superlative degree. तो more क्या है, basically more जो है बच्चों वो comparative degree है. तो जब हम बात करेंगे bouncy, bouncier, ये भी comparative degree है, तो दो comparative degrees एक बार एक साथ कैसे आ सकती हैं, आप समझे मैंने क्या बताया, more beautiful ठीक है, but more better कैसे बोल दूँ, more cleverer कैसे बोल दूँ, more smarter कैसे बोल दूँ, तो मोर और स्मार्टर, मोर और क्लेवरर, ये तो गलत हो गया ना. इसका मतलब ये था कि हमें कंपैरेटिव डिग्री रखनी है, पर एक रखनी है, ये दूसरी वाली गलत हो जाएगी. द एरर इज इन द बी पार्ट, द सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस विल बी लाइक दैट, एज जोआन, एज जोआन, जोआन वॉकड अक्रॉस द हॉल, शी नोटिस दैट हर वॉक वॉज जस्ट अ लिटिल बाउंसियर दैन वेन शी हैड फर्स्ट वॉकड इन. तो बाउंसियर है, अ लिटिल बाउंसियर है,
मोर बाउंसियर नहीं हो सकता है क्योंकि दो कंपैरेटिव डिग्रीज हम एक साथ नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई रिकॉल यू टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ द सेवन विचेस बट आई के नॉट रिमेंबर वेयर और वेन. देखिए कुछ स्टूडेंट सिर्फ टाइम देखते रहते हैं कि मैम ने इतनी देर लगा के बढ़ाया, बट आप ये तो समझिए कि मैं तो सिर्फ समझाने के लिए इतना ज़्यादा आपको बताती हूँ. अगर आप लोग शॉर्ट में पढ़ना चाहेंगे आपको लग रहा है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को मुझे समझाना है जो थोड़ा वीक है उसे भी, तो आपको बता दूँ. देखिए इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले मोड में रहती हूँ, जल्दी नहीं करती हूँ ताकि आपको समझ में आए. इस सेंटेंस में टाइम ज़्यादा लगने वाला है इसलिए आपको पहले ही बता दूँ. आई रिकॉल ये सेंटेंस ऐसा है जो हर एग्ज़ाम में पहले पूछा गया, हर एग्ज़ाम में मतलब हर एग्ज़ाम में. तो चाहे आप बैंक एग्ज़ाम लीजिए, DSSB लीजिए या आप KVS का एग्ज़ाम लीजिए, आप हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह का. क्वेश्चन आया है PO में, SSC में, सब में. तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. देखिए रूल ये है, अच्छा चलिए सिर्फ रूल बता के देखते हैं, अगर किसी को समझ में आ जाएगा तो कोई बात नहीं. हमने ये कहा कि जेरेंड है, जेरेंड से पहले पोजेसिव केस लगाते हैं. आई एम श्योर अब किसी किसी को तो आ ही गया होगा सेंटेंस समझ. अब नहीं आया तो अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, बच्चों वाली लैंग्वेज में जिसमें बच्चों आपको समझ में आएगा. चलिए नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा. एक सेंटेंस है, पहले तो देखिए जेरेंड क्या होता है. जेरेंड बच्चों वर्ब प्लस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ING लगाया जाता है. सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये तो वर्ब ही है, आप इसको जेरेंड क्यों बुला रहे हो, व्हाट डज यू नो इट एक्चुअली मींस. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING आएगा तो वो जेरेंड होगा. लेकिन आप जेरेंड पहचानेंगे कैसे? अगर कोई बच्चे को जेरेंड ना पता हो, और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में किसी को जेरेंड पढ़ाती हूँ क्लास में, तो मैं ऐसे बताती हूँ कि अगर पहले वर्ब आ जाए, पहले वर्ब आ जाए जैसे रिकॉल है, तो ING फॉर्म में जो दूसरा सेंटेंस में आता है वो वर्ब नहीं होता है. पहले वर्ब आ गया, आप ये देख पा रहे हैं, वर्ब जो वर्ब है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं. वर्ब पता लगाते हैं, ये रिकॉल वर्ब है. यहाँ पर एक वर्ब अगर आ जाता है तो दूसरा सेंटेंस में ING फॉर्म में जो आएगा, क्योंकि आप इसको भी वर्ब समझ लेंगे, आई एम श्योर. ये वर्ब एक सेंटेंस में एक आ गया ना, अगर एक वर्ब आ गया तो आप आगे जो बात करेंगे, देखिए ये बिल्कुल बिगिनर्स वाला तरीके से बात कर रही हूँ मैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये ग्रामर का पार्ट. वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं, एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है, दूसरा वर्ब नहीं है, ING फॉर्म में जो आएगा वो वर्ब नहीं है, वर्ब के बाद आएगा वो, दो वर्ब एक सेंटेंस में नहीं है. पहले ज़रा समझिए, कोई बोल रहा है मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, दैट मीन्स वन एक्शन एट ए टाइम बोल रहा है. वो ऐसा तो नहीं कह सकता ना मैं सोता खाता पीता जाता हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल. एक सेंटेंस में प्रेफरेबली अगर आप एंड नहीं लगाते हैं तो आप एक ही वर्ब लगा रहे हैं. मैं आपको ये प्रेफरेबली इसलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादातर सेंटेंसेज ऐसे ही बनते हैं, ज़्यादातर. तो मैंने कहा वर्ब एक आ गया, दूसरा सेंटेंस ING फॉर्म में, वो जेरेंड होता है. अब जब मैंने कहा कि जेरेंड से पहले पोजेसिव केस आता है, अब ये चीज़ थोड़ी सी लंबी है. किसी ने कहा आई माय मी, पूरा चार्ट नहीं बना रही हूँ फिर भी शॉर्ट में करने की कोशिश करती हूँ. वी आर अस, यू योर यू, अब देखिए ये है सब्जेक्टिव केस. आपको सब्जेक्टिव केस अभी नहीं पढ़ाऊंगी, वो कभी किसी और दिन. ये पोजेसिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस, इन दोनों को छोड़ दीजिए. आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है. पोजेसिव जो पोजेशन दिखाता है कोई चीज़ किसी के अधिकार में होना, लाइक माय पेन, माय नोटबुक, आर क्लासरूम, योर टीचर, पोजेशन दिखा रहा है, पोजेसिव केस है. तो मैंने कहा ये वाले पोजेसिव केस जो पोजेशन दिखाएंगे, जैसे माय, जैसे आर, जैसे योर, जैसे हिज, जैसे हर, जैसे हिज, ही हिज होता है ना, ही हिज हिम, वैसे ही जैसे हर, दे देयर देम, तो देयर भी इसी कैटेगरी का वर्ड है, their classroom, his classroom, her teacher. So ये possessive case है, possessive case जो possession दिखाते हैं. तो मैंने क्या कहा, gerund से पहले possessive case आता है, तो possessive case you तो नहीं होता है, possessive case तो बच्चों your होता है. अभी भी नहीं समझ आएगा मुझे पक्का पता है, अभी भी बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मेरे को अब sentences के through आपको समझाना पड़ेगा. एंड आई एम रेडी, सुनिए ध्यान से. रितु इज सरप्राइज्ड, रितु इज सरप्राइज्ड टू हियर द न्यूज़
ऑफ हर पासिंग दी एग्जाम. ध्यान दीजिए बिल्कुल. अगर मैंने कहा यहाँ पर सरप्राइज आया तो ये वर्ब है. पहले ये देखिए, ऋतु इज सरप्राइज्ड, ये वर्ब आ चुका है. अब वर्ब के बाद मैंने कहा था टू हियर मत देखिए. टू हियर यहाँ पर इन्फिनिटिव है, मैं अभी उसको नहीं समझा रही हूँ. मेन बात जो हमारे रूल से रिलेटेड है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक वर्ब पहले आ गया तो दूसरा आई एन जी फॉर्म में ढूंढिए. कुछ आया है क्या? देखिए देखिए देखिए, दैट्स पासिंग. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाया है. पहला वर्ब है तो दूसरा वर्ब नहीं होगा. दूसरा क्या है? जेरेंड है. जेरेंड से पहले पोजेसिव केस लगाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है? शी लगाया है क्या? नहीं, मैंने यहाँ पर हर लगाया है. रितु इज सरप्राइज टू हियर, या रितु विल बी सरप्राइज, कुछ भी लिखिए. रितु इज सरप्राइज या रितु विल बी सरप्राइज टू हियर द न्यूज ऑफ हर पासिंग द एग्जाम. एक सेंटेंस और लेते हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है. आई डिसलाइक हिम, ऐसा ही आया था. इंटरप्टिंग मी सो रूडली. अब देखिए, डिसलाइक वर्ब है, एक वर्ब आ गया, दूसरा वर्ब नहीं है. दूसरा आईएनजी फॉर्म में क्या था? जेरेंड था. जेरेंड से पहले पोजेसिव केस लगाते हैं, और तो हिम नहीं आएगा, हिज आएगा. आई डिसलाइक हिज इंटरप्टिंग मी सो रूडली. हिम बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत ही ठीक लग रहा है, बट हिम आंसर नहीं है. आई डिसलाइक हिज इंटरप्टिंग मी सो रूडली. याद रखिए, आई डिसलाइक हिज इंटरप्टिंग मी सो रूडली. दूसरा सेंटेंस, माई फादर. ये सारे सेंटेंसेस आपको लिखने हैं. माई फादर डज नॉट अप्रूव ऑफ माई सिंगिंग. जल्दी से बताइए वर्ब क्या है. वर्ब है अप्रूव. वर्ब क्या है बच्चों? अप्रूव है वर्ब. अगर अप्रूव है वर्ब तो सिंगिंग क्या है? जेरेंड है. जेरेंड है तो जेरेंड से पहले क्या लगाते हैं? पोजेसिव केस. तो क्या मैंने माय ठीक लगाया था? नहीं ना, माय वाज एब्सोल्युटली राइट. माय वाज एब्सोल्युटली राइट. यहाँ पर प्रॉब्लम आती है. बच्चे मुझे कहते हैं मैम मी लगा दो या आई लगा दो. मैंने कहा तो ये तो अच्छा भी नहीं लग रहा. ज़रा सोचो, आप लोग जैसे बोलते हो मैम जच नहीं रहा है. माई फादर डिज नॉट अप्रूव ऑफ माई सिंगिंग. ज़रा मीनिंग निकालिए. मुझे गाना या मेरा गाना? मी लगा दूंगी तो मुझे गाना या मेरा गाना? मेरे फादर क्या अप्रूव नहीं करते हैं? मेरे फादर क्या अप्रूव नहीं करते? मेरा गाना या मुझे गाना? तो मेरा गाना आएगा, इसीलिए यहाँ पर माई सिंगिंग आएगा. मीनिंग निकालते तब भी आंसर वही आता, मेरे फादर अप्रूव नहीं करते मेरा गाना. मैंने आपको रूल बता दिया, वर्ब आता है पहले, जेरेंड पहचानिए, आईएनजी फॉर्म में, वर्ब के बाद जो आएगा. आई लाइक रीडिंग. सुनिए, आई लाइक रीडिंग. तो लाइक क्या है? वर्ब है. रीडिंग क्या है? जेरेंड है. मैंने कहा अगर जेरेंड से पहले कोई केस लगाना पड़े, केस का मतलब सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, तो आप कौन सा केस लगाएंगे? आप पोजेसिव केस लगाएंगे. और पोजेसिव का मतलब क्या था? पोजेशन. अब शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर आप वीडियो दोबारा देखिए या ये वाला पार्ट दोबारा देखिए. टेलिंग जेरेंड है, रिकॉल वर्ब है. जेरेंड से पहले बच्चों पोजेसिव केस आता है, इसलिए यू नहीं और आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन शोन दैट very high doses of vitamin C actually causes the growth of cancerous cells. देख रहे हैं अब यहाँ पर concern क्या है? यहाँ पर बहुत छोटा सा error है. vitamin C की बात देखिए. अब बच्चे मेरे को कहते हैं मैम it है subject, इसीलिए causes आया है. कुछ बच्चे कहते हैं मैम vitamin C है इसीलिए subject, इसीलिए causes आया है. पहले meaning तो समझिए. high doses of vitamin C, vitamin C से cancer नहीं हो रहा है बच्चों. हाई डोजेस ऑफ विटामिन सी से कैंसर हो रहा है, कैंसरस सेल्स का ग्रोथ हो रहा है. तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अगर पता लगाना है, हु और विच टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर व्हाट पूछा जाता है. तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर क्या कॉज करता है कैंसर, व्हाट कॉजेज कैंसर, तो हाई डोजेस कॉज कैंसर होगा ना. ज़रा ये सोचिए. अब यहाँ पर हाई डोजेज है तो ये देखिए ये प्लूरल है. अगर प्लूरल है, बच्चे यही करते हैं, उन्हें ये लगता है कि विटामिन सी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और उन्हें लगता है कि विटामिन सी की वजह से यहाँ पर कॉजेज आ रहा है. बट विटामिन सी से तो कैंसर ग्रोथ हो ही नहीं रहा है. कैंसर ग्रोथ हो रहा है हाई डोजेज से. तो हाई डोजेज क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ना कि विटामिन सी.
सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आना चाहिए था, तो यहाँ पर कॉज आना चाहिए था. इट हैज़ बीन शोन दैट वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली कॉज द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स. मैं रिविजन कराए बिना छोड़ नहीं सकती हूँ. अगर आप लोग नहीं करना चाहते कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन मैं ज़रूर करवाऊँगी. आप कर सकते हैं तो देखिए, शायद याद हो जाएगा. स्टडी मैन ने ट्रीज गिराए, हार्डली नो एफर्ट नहीं, हार्डली एनी एफर्ट के साथ, क्योंकि हार्डली के साथ नो नहीं आएगा, नेगेटिव दो एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हमने वहाँ पर नो हटा दिया. ही गोज़ टू टेम्पल एज फ्रीक्वेंटली एज ही फाइंड्स टाइम, क्योंकि टेम्पल में जाने का, पूजा करने वाले का टेम्पल में जाने का प्राइमरी पर्पज था, और प्राइमरी पर्पज के साथ द नहीं आता है. विन और लूज था, तो लूज का स्पेलिंग ढीला वाला नहीं, हारने वाला लूज आना चाहिए था, तो हमने वहाँ पर एल ओ एस ई कर दिया. एज इफ के साथ जब हाइपोथेटिकल इमेजिन वाली स्टेट कंडीशंस है, तो इमेजिनरी स्टेट में हम कह रहे थे पास्ट टेंस आता है एज इफ के बाद. ही वर्क्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, नहीं, ही वर्क्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, एज इफ के बाद पास्ट टेंस आया. अ पर्सन हु हेट्स ऑल मदर्स, मदर इन लॉज नहीं, मदर्स इन लॉ, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेड्स, वो आदमी कौन है, वो मिसोजिनिस्ट है, वो हेटर ऑफ वेमेन है. तो मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ. द होल ब्लॉक ऑफ द फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स, इंक्लूडिंग के पहले सब्जेक्ट वन को देखना था, सब्जेक्ट वन होल ब्लॉक था, इसीलिए रूल यही है, ग्रामेटिकल रूल यही है कि इंक्लूडिंग के पहले सब्जेक्ट वन होल ब्लॉक है, इसीलिए सब्जेक्ट वन सिंगुलर है, वर्ब की जगह पे वॉज आएगा. मोस्ट ऑफ द पीपल विच हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, क्योंकि हु इसीलिए आया क्योंकि पीपल के लिए हु लगाया जाना चाहिए था, ह्यूमन बींग्स के लिए हु लगाया जाना चाहिए था, ना कि विच. एज जोआन वॉकड अक्रॉस द हॉल शी नोटिस दैट हर वॉक वॉज जस्ट अ लिटिल बाउंसियर दैन वेन शी हैड फर्स्ट वॉकड इन. मोर बाउंसियर नहीं आएगा, दो कंपेरेटिव डिग्रीज एक साथ नहीं आएंगी, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन आप मोर नहीं लगाएंगे. आई रिकॉल योर टेलिंग मी, बच्चे कहेंगे मैम सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. टेलिंग जेरेंड है, रिकॉल वर्ब है. मैंने कहा जेरेंड कैसे पहचानते हैं, ये एक तरीका है, बिगिनर्स को ऐसे बताया जाता है कि पहले वर्ब आ जाता है, आई एन जी फॉर्म में दूसरा वर्ब नहीं होगा, वो जेरेंड होगा. जेरेंड से पहले पोजेसिव केस लगाते हैं, पोजेसिव केस मैं लिख चुकी थी, वो आपने लिख लिया होगा. आई रिकॉल यू टेलिंग मी नहीं, आई रिकॉल योर टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ द सेवन विचेस. इट हैज़ बीन शोन दैट वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली कॉज द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स. कॉज क्यों आया, क्योंकि हाई डोजेज सब्जेक्ट था जो कि प्लूरल था, इसीलिए प्लूरल वर्ब कॉज आना चाहिए था. वी आर रैपिंग इट अप. थैंक यू सो मच.